हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4। ठीक है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था और उसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को, कुछ रिएक्शंस लाइक पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने बताया था कि किस तरीके से चार्ज कंजर्व रहता है स्टूडेंट। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात हमें बतानी है। मंडे से बच्चों हम लोग आप लोगों को अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, यानी मंडे से जो आपके लेक्चर्स होंगे वो हमारे नए प्लेटफॉर्म पर होंगे। ठीक है। सैटरडे में उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। आप लोगों को अपनी क्लासेस को अगर कंटिन्यू करना है तो मंडे से पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, ठीक है, देखिए संडे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। लेकिन संडे से पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना है तो एक बड़ा आसान तरीका है। स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूरी अपनी डिटेल्स आप लोगों को भेजनी है। अपना नाम भेजना है, स्कूल का नाम भेजना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो आप लोगों को भेजना है। साथ में 250 रुपीज़ थ्रू पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से आप लोगों को भेजने हैं। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है, बहुत सारे फोन हमारे पास में आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम किस तरीके से कराएं। तो एक बड़ा आसान तरीका है, व्हाट्सएप पर आप लोग हमें अपनी डिटेल्स भेजिए, साथ में 250 रुपीज़ पेमेंट करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। संडे में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और मंडे से आप लोगों की क्लास हमारे नए प्लेटफॉर्म पर बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास में वो है एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो है एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। यहां से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने अपनी क्लास को लास्ट में यहीं पर छोड़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी से पहले हम लोग ये कंडीशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल आपके सामने घूम रहा है कुछ इस तरीके से, ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है ये एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करेगा ये हम लोगों को देखना है बच्चों। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। मान लीजिए कंडीशन हमारे पास में कुछ ऐसी आई, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट में है। आप जानते हैं रेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी चार्ज पार्टिकल ना रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोग नाम देंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैंने आपके सामने चार्ज को लेकर तीन प्रोबेबल कंडीशन बना दी बच्चों। पहली प्रोबेबल कंडीशन क्या है कि चार्ज पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यों है, कैसे आया, आपको किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो बहुत डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट। अच्छा, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना दिया जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। उसके बाद देखिए आप क्या कंडीशन है, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर ये अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम ये कहेंगे कि एनर्जी का जो लिब्रेशन होगा वो जीरो के बराबर होगा, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। तो पहली प्रोबेबल कंडीशन हमारे सामने आ गई स्टूडेंट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है,
तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरी बात, एनर्जी का जो लॉस होगा, एनर्जी का जो लॉस होगा वो जीरो के बराबर होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी, ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई एनर्जी रिलीज होगी। ओके, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल हमें दे रखा है, क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल ना मोशन कर रहा है बच्चों, मोशन कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ या कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। देखो आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, भाई चार्ज तो है ना, चार्ज तो पक्का है, मैं इतना आप लोगों से कह देता हूं कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनेगा। भाई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन चार्ज, वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का बनेगा। अब आप एक बात देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, अगर ये चार्ज कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है तो चार्ज के मोशन करने से करंट प्रोड्यूस होती है। बच्चों हम लोग जानते हैं यार, 10th क्लास के अंदर भी पढ़कर आए हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो चार्ज पार्टिकल के मोशन करने से करंट बनती है और करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात पर गौर करिए, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, चार्ज के मोशन से बन गई करंट, क्या बन गई? करंट। और करंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बच्चों करंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास में अगर कोई चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मोशन करेगा बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब तक हमारे पास में सिर्फ दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, चार्ज है चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन चार्ज। अच्छा, अगर चार्ज मोशन में है तो चार्ज के चलने से, चार्ज के चलने की वजह से करंट बनेगी, क्या बनेगी? करंट। और करंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। लेकिन आप गौर करिए स्पीड कैसी है बच्चों, आप गौर से देखिए स्पीड कैसी है, स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने वाली नहीं है, यानी यहां भी एनर्जी का लॉस जीरो के बराबर रहेगा, ना यहां एनर्जी का लॉस होगा ना यहां एनर्जी का लॉस होगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। लेकिन स्पीड के कॉन्स्टेंट होने की वजह से ना तो स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी, एनर्जी का लॉस जीरो के बराबर होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग बच्चों यहां पर थर्ड कंडीशन में। देखो तीसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास में, तीसरी सिचुएशन है चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है बच्चों, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी के साथ चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, या डी एक्सीलरेट कर रहा है, स्पीड घटती जा रही है। क्या तो स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, समझ में आ रही बात? अब आप एक बात देखिए, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का बनेगा, दूसरी बात चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है भले ही स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, नो मैटर, चार्ज का मोशन करना जरूरी है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया पक्का, हम समझ गए कि भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का बनेगा। और अगर वही चार्ज मोशन कर रहा है, चाहे कैसा भी मोशन हो, चाहे कांस्टेंट मोशन हो, स्पीड बढ़ रही हो स्पीड घट रही हो, मोशन करने से करंट बनेगी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया और मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया और मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। लेकिन ध्यान से गौर करने वाली बात यह है, चार्ज के एक्सीलरेट करने की वजह से, चार्ज की स्पीड लगातार बढ़ने की वजह से
यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होंगी बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होंगी और एनर्जी का लॉस जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी यहां डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी बाहर जरूर निकलेगी। एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एनर्जी निकलेगी जरूर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी रहने वाली हैं बच्चों। टॉपिक का नाम एक बार और आप देख लीजिए, टॉपिक का नाम है एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। तुम्हारे सामने तीन सिचुएशंस बन गई। पहली सिचुएशन, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में रखा हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है या डी एक्सीलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार पक्का बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा क्योंकि चार्ज के मोशन करने से करंट बनेगी, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस्ड होगी बच्चों। ये बात आपको भूलनी बिल्कुल नहीं है, अच्छे तरीके से ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया है एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आया हमारे पास में, ध्यान से आप लोग। अगला टॉपिक बच्चों हमारे पास में बड़ा काम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में कि अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है भाई? पिछले तीन चार दिन की क्लास में हम लोग पढ़कर आए कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रही है बात? अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, या चार्ज देने के कितने तरीके हैं। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास में एक सीधा सा आंसर है बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कॉमनली बच्चों हमारे पास में तीन तरीके हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास में तीन तरीके हैं। पहले मेथड का नाम है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग मींस, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग देखिए क्या कहता है। फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग ये कहता है कि किसी भी दो बॉडीज को हम आपस में रबिंग कराकर दो बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं। इस पहले मेथड को हम नाम देंगे फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। दूसरा मेथड बच्चों हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। और तीसरे नंबर पर आता है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। कुल मिलाकर स्टूडेंट ये हमारे पास में तीन मेथड है जिनका यूज करके हम बॉडीज को चार्ज करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पहले मेथड की, फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास में, पहले मेथड का नाम है बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। माने कि हम दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रबिंग कराकर, इसे रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक दूसरे के ऊपर रबिंग कराकर हम चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको इस मेथड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं क्या है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे। क्वेश्चन आप लोगों से यह आया, इस मेथड का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास में किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हैं, आपने जैसा कि बताया फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, तो इस मेथड का यूज हम कब करेंगे? तो मेरा आंसर बच्चों ये है, जब हम किसी भी बॉडी को टेम्परेरी चार्ज कराना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग चार्ज कराना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग का। यानी दो बॉडीज को रबिंग कराकर जब हम बहुत ही कम टाइम के लिए चार्ज कराना चाहते हैं तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, नाम है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने एक एनिमेशन हमने बनाया है, एनिमेशन में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है आप ये देखिए। देखिए ये हमारे पास में एक कॉमन सा क्लोथ है बच्चों, और ये हमारे पास में एक पीवीसी पाइप है। स्टार्टिंग की कंडीशन में बोथ आर न्यूट्रल, दोनों के दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है।
हमने क्या किया, हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रबिंग कराया, एक दूसरे के ऊपर घिसा। और देखो रबिंग कराने के बाद, ध्यान से आप देखिएगा, रबिंग कराने के बाद क्लोथ के ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आ गया है और पाइप के ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज आ गया है। यानी रबिंग कराने के बाद एक बॉडी पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। हालांकि इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने टॉपिक आया है यार, हम लोगों को तो डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई जाए। तो एनिमेशन आपके सामने बनी हुई है स्टूडेंट, अब हम इसे थियोरेटिकली देखते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से क्लास पढ़ी है, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, परसों भी इसके बारे में बताया था, तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखिएगा आप ध्यान से। इफ यू रब्ड वन बॉडी ऑन दी अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी, ठीक है, हायर वर्क फंक्शन बॉडी। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। देखो इसका मतलब क्या है, माना कि दो बॉडीज हैं हमारे पास में, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। जैसे कि ये क्लोथ है और ये पीवीसी पाइप है, ये दो बॉडीज हैं हमारे पास में। हमने क्या किया बच्चों, हमने दोनों बॉडीज को आपस में रबिंग कराया, और माना कि रबिंग कराने से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले गए। अब कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले गए तो इस बॉडी पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। यानी रबिंग कराने के बाद एक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे बच्चों। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव आएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे उस पर नेगेटिव आएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कम वर्क फंक्शन से ज्यादा वर्क फंक्शन की तरफ होता है। यानी जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब जैसा कि मैंने आपके सामने कंडीशन बनाई, या हम लोग यही देख लेते हैं। देखो इस वाले क्लोथ के ऊपर स्टूडेंट्स आप देखिए, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, और इसके ऊपर कैसा है, इसके ऊपर ज्यादातर नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या कहोगे, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और किसका वर्क फंक्शन कम है, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं क्लोथ टू पाइप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं क्लोथ टू पाइप। तो मैं कहूंगा कि क्लोथ का जो वर्क फंक्शन है वो लोअर है, ठीक है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो हायर है। पाइप का वर्क फंक्शन ज्यादा है और कपड़े का वर्क फंक्शन कम है। अच्छा, अब बार बार ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है यार, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? देखो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको इस क्लोथ के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब तुम खुद ही सोचकर बताओ, अगर इसका वर्क फंक्शन कम है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही काम हो जाएगा। इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसीलिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए और इस पर आ गया है पॉजिटिव और उस पर आ गया है नेगेटिव। तो बच्चों किसी भी बॉडी को चार्ज करने का पहला मेथड है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। आप याद रखेंगे कि इस मेथड को हम यूज कब करेंगे, जब बॉडीज को हमें टेम्परेरी चार्ज कराना है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमें बॉडीज को चार्ज कराना है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। मैं आपको इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, पूरी एक दिन की क्लास में हम पूरे जितना भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की ही हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलकर नेगेटिव पर ट्रांसफर हो जाएंगे, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा, जो लोग वर्क फंक्शन को नहीं समझ पाए वो एक बार और सुन लें। मान लो कि ये मार्कर है यार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे, अगर मुझे इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है
तो उसके लिए मुझे इसे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसका वर्क फंक्शन कहलाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं, याद रखिएगा। सो फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, याद रखनी है ये बात आप लोगों को, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मेथड नंबर दो, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का दूसरा तरीका, और मैं ये कहता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला सवाल है जो आपके सामने आया है, जो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर हर कैटेगरी में पूछा जा चुका है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसका एक एक स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखो मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, तो पहले तो मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि भैया ये मेथड होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड बेसिकली है क्या और कहां हम लोग इस मेथड का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड है क्या। हमने पिछला मेथड पढ़ा, उसमें दो खास बात थी, एक तो हम बॉडीज को टच में लेके आ रहे थे, रबिंग करा रहे थे, और रबिंग कराने से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे थे। दूसरी बात यह थी कि वो जो पिछले वाला मेथड था हमारा, वो एक बड़ा ही टेम्परेरी मेथड था, शॉर्ट टाइम अगर चार्ज कराना है तो हम उस मेथड का यूज कर रहे थे। इस मेथड की खास बात क्या है, दो खास बात है। पहली खास बात, इस मेथड में हम बॉडीज को टच में लेकर नहीं आएंगे, विदाउट टचिंग, बिना टच किए हम बॉडीज को चार्ज कराएंगे। बच्चों दो बॉडीज को बिना आपस में टच किए हम बॉडीज को चार्ज कराएंगे। इस मेथड की दूसरी खास बात क्या है, इस मेथड की दूसरी खास बात यह है कि यह परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड यानी अगर इस मेथड का आपने यूज किया किसी भी बॉडी को चार्ज कराने के लिए, तो इस मेथड को अप्लाई करने के बाद उस बॉडी पर वो चार्ज लंबे टाइम के लिए टिकेगा, यानी लंबे टाइम तक वो बॉडी उस चार्ज को एक्वायर करके रखेगी। तो ये हमारे पास में दो खास बातें हैं। देखो टच तो नहीं करा रहे बॉडी को, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, बिल्कुल टच नहीं करा रहे हम लोग, ठीक है, विदाउट टचिंग यहां चार्ज करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात क्या है, लंबे टाइम तक अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज रखना है, परमानेंटली हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मेथड है क्या। देखो इस मेथड में हमें दो बॉडीज चाहिए बच्चों, दो बॉडीज कौन कौन सी और उनका काम क्या होगा। इस मेथड में हमें दो बॉडी चाहिए, उन दो बॉडीज में से जो पहले वाली बॉडी होगी उस पर पहले से ऑलरेडी चार्ज होगा। जैसे कि ये आपके सामने ग्रीन वाली बॉडी आप देख रहे हैं, इस ग्रीन वाली बॉडी पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अच्छा ये जो ऑरेंज वाली बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना इसके अंदर नेगेटिव है उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव है। हमारे पास में दो बॉडी होंगी बच्चों, एक जिस पर पहले से चार्ज होगा उसे हम लोग नाम देंगे इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। एक वो बॉडी जिसके ऊपर हम लोग चार्ज लाना चाहते हैं, हम लोग जिसे चार्ज करना चाहते हैं उसे हम लोग नाम देंगे इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। जिसके ऊपर पहले से चार्ज है उसका नाम है इंड्यूसिंग बॉडी, और जिस पर चार्ज हम लोग लाना चाहते हैं उसका नाम है इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। अब देखिए कि काम कैसे होने वाला है, कैसे काम होगा ये आप लोग गौर करिएगा कि किस तरीके से हम बॉडीज को आपस में चार्ज करा सकते हैं। देखिए जैसे ही ये पॉजिटिव वाली बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के पास जाती है, न्यूट्रल बॉडी में ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखो पहले से न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर स्टूडेंट पहले से पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव जैसे ही इसके पास जाता है ये सारा नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव इससे रिपेल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम होने वाला है, ठीक है। देखो भाई बच्चों समझिएगा जरा गौर के साथ, कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी, एक बॉडी हमारे पास में पहले से होगी और इस बॉडी के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान से इस बॉडी का नाम है ए, मैंने इस बॉडी को ऑलरेडी बच्चों नाम दे दिया है, इसका नाम है इंड्यूसिंग बॉडी, आप याद रखेंगे मैंने इस बॉडी को नाम दे दिया है इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। अच्छा मैंने इसके पास में एक दूसरी बॉडी को रखा, ये एक न्यूट्रल बॉडी है,
इस पर मैं चार्ज लाना चाहता हूँ, इस पर ऑलरेडी पहले से चार्ज है और मैं इस पर चार्ज लाना चाहता हूँ। इस वाली बच्चों, इस वाली बॉडी का नाम है इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी, ठीक है। जैसे यहाँ पर, इस पर पहले से चार्ज है, देखो ध्यान से, तो इसका नाम तो हो गया इंड्यूसिंग बॉडी, और जितना नेगेटिव है, गौर से देखिएगा, जितना नेगेटिव है बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव है, बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव है, तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और इसे हम लोग दूसरा नाम इंड्यूस्ड बॉडी भी दे सकते हैं, इंड्यूस्ड बॉडी भी हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये एक न्यूट्रल है। अब आप समझिए कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है क्या। देखो बच्चों, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। भाई न्यूट्रल का मतलब तो यही होता है, क्योंकि हर बॉडी के अंदर एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पक्का होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के अंदर एटम ना हो। तो इसके अंदर एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। अब जब मैंने इसके पास में लाकर इस बॉडी को रखा तो क्या होगा बच्चों, होगा ये कि ये पॉजिटिव इसके सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला जो पॉजिटिव है ना, इस बॉडी के अंदर वो जो नेगेटिव पॉजिटिव फैला पड़ा हुआ है, उस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मैंने आपसे कहा कि इस बी वाली बॉडी के अंदर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आप ध्यान रखिएगा, इस वाली बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जैसे ही मैंने इस वाली बॉडी को इसके पास में लाके रखा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को अपने से रिपेल कर दिया। लो भैया, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन, ये फर्स्ट स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचेंगे। स्टूडेंट आप इसे नोट करिएगा अच्छे तरीके से, कंडीशन क्या है मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, ये वो मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी बॉडी को परमानेंटली चार्ज करा सकते हैं बिना आपस में टच कराए, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें दो बॉडीज होती हैं, एक वो बॉडी जिस पर पहले से चार्ज है उसे हम लोग नाम देते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, एक वो बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस पर हमें चार्ज लेकर आना है, उसका नाम है इंड्यूस्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर वन, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन इन फोर सक्सेसिव स्टेप्स, हम चार स्टेप लेने वाले हैं इस मेथड को आपको समझाने के लिए। पहला स्टेप क्या है, ये वो बॉडी है जो पहले से चार्ज है और ये वो बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही दूसरे वाली बॉडी को हमने इसके पास में लाके रखा, इस पॉजिटिव ने पूरे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को अपने से रिपेल कर दिया। ये हमारे पास में बच्चों स्टेप नंबर एक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, अभी हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, ठीक है। देखो स्टेप नंबर टू हमारे पास में क्या है, स्टेप टू, ये वो बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसे मैंने नाम दे रखा है ए। ये वो दूसरी वाली बॉडी है, बीच में से हमने कट कर रखा है इसे, एक तरफ इसमें नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और एक तरफ इसमें पॉजिटिव है। ये हमारा स्टेप टू है। स्टेप टू में अब देखो, अब स्टेप टू यहां से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या किया, स्टेप टू में हमने इस बी वाली बॉडी के इस वाले हिस्से को अर्थ से कनेक्ट करा दिया, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं अर्थिंग, ध्यान से, इसे बोलते हैं अर्थिंग। ये जो सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है ना, इसका मतलब होता है अर्थिंग। थोड़ा आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल काम है, समझने वाली बात है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने दूसरे वाली बॉडी के इस वाले किनारे को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखो, अगर मैं अर्थ के पोटेंशियल की बात करूं, ध्यान से, अभी आपको पोटेंशियल नहीं पता है फिर भी आप गौर करें, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है बच्चों। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो जीरो होता है। यहां कैसा चार्ज है, इधर मत देखो, सिर्फ लाइन से इधर देखो, आप लाइन से इधर, इधर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहां का पोटेंशियल कैसा होगा, यहां का पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव,
अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अब क्या होगा आप देखो भाई, हम ये कह सकते हैं ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया जीरो। भाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, अर्थ जीरो पोटेंशियल, बताओ बड़ा कौन हुआ और छोटा कौन हुआ? कोई भी बता देगा यार पॉजिटिव वैल्यू हो गई बड़ी, हाइयर पोटेंशियल, जीरो हो गया छोटा यानी लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा फ्लो होती है बच्चों, जो करंट होती है ना, करंट करंट हमेशा फ्लो होती है, ध्यान से, करंट हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहां का पोटेंशियल कैसा है? हाई, क्योंकि पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ी होगी या नहीं होगी, और ये जीरो है ये छोटा होगा यार, इसीलिए इसे बोल दिया हाइयर, इसे बोल दिया लोअर यानी जीरो। अब करंट कहां से कहां फ्लो होती है, ध्यान दे, करंट हमेशा फ्लो होती है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट यहां से यहां आएगी, आएगी करंट यहां से यहां। अगर करंट यहां से यहां आएगी तो इलेक्ट्रॉन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। करंट आ रही है यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से यहां अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, इसे खत्म करेगा, इसे खत्म करेगा, इसे करेगा, इसे करेगा, ये सारा पॉजिटिव यहां से खत्म कर देगा। अगर ये सारा पॉजिटिव यहां से खत्म हो गया तो क्या बचा भाई हमारे पास में? ओनली नेगेटिव। क्या बचा हमारे पास में? नेगेटिव। तो स्टेप नंबर तीन में इस बी वाली बॉडी के पास, यानी जो बी वाली बॉडी है इस पर सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल आ गया है, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को परमानेंटली चार्ज करा सकते हैं, इस तरीके से। ये हमारा इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहलाएगा बच्चों, ये हमारा इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहलाएगा, ठीक है, नो डाउट। तो बच्चों नोट किया आप लोगों ने, ठीक है, वेरी नाइस। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कुछ इस तरीके से हमारा काम करने वाला है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको इसकी नेक्स्ट सिचुएशन बताता हूं कि अगली सिचुएशन क्या है और वो कैसे काम करने वाली है, ठीक है। देखिए सुनिए ध्यान से, स्टेप वन, पहला स्टेप, ये तो समझ गए होंगे ना कि इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, बिना बॉडीज को टच कराए, टच नहीं कराना है, बिना बॉडीज को टच कराए, और लंबे समय के लिए अगर आपको चार्ज करना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो सेकंड कंडीशन क्या है इस बार इसकी, बच्चों मैंने एक बॉडी ली जिसका नाम है ए, और इस बॉडी पर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हमने दूसरी बॉडी कंसीडर करी यहां पर, इस बॉडी का नाम है बी, ये बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है, नाम तो याद होंगे ना, जिस बॉडी पर पहले से ऑलरेडी चार्ज रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, जिस बॉडी पर हम चार्ज लाना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हमने बी वाली बॉडी को, भाई क्योंकि नेगेटिव के पास अगर तुम न्यूट्रल बॉडी को लेकर आओगे तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी के पास नेगेटिव को लेकर आओगे तुरंत क्या होगा, सारा पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जितना भी पॉजिटिव इसके अंदर मौजूद है वो सारा नेगेटिव की साइड आ जाएगा अट्रैक्ट होकर, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा जितना पॉजिटिव है इसके अंदर बिल्कुल उतना ही नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्या होगा, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से रिपेल होगा, तो जो नजदीक वाला किनारा है उस पर तो आ जाएगा ओपोजिट चार्ज, और जो दूर वाला किनारा है उस पर आ जाएगा सेम चार्ज, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा, ये पहले स्टेप की सिचुएशन हमारे सामने स्टूडेंट हो जाएगी, ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर टू, सेकेंड स्टेप के अंदर ए वाली बॉडी को आपको वहीं के वहीं रखना है, ए वाली बॉडी को उसकी जगह से मूव नहीं करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास में दूसरी बॉडी है जिसे हमने बी वाली बॉडी का नाम दिया है, दो पार्ट्स में हमने इसे कट किया है जैसा कि अभी हमने आपको बताया,
इधर की तरफ है पॉजिटिव, ओके, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में, आप समझिए बच्चों, सेकेंड स्टेप में हमने इसके दूर वाले किनारे को उठाकर अर्थ से कनेक्ट करा दिया। यार पहला स्टेप तो समझ गए होंगे, पहले स्टेप में तो कुछ भी नहीं करना है, जिस बॉडी पर पहले से चार्ज है उसके पास में लाकर न्यूट्रल बॉडी को रख देना है। जैसे ही न्यूट्रल बॉडी को इसके पास में लाकर रखोगे, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नेगेटिव को अपने से रिपेल कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है। हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में क्या किया, दूर वाले किनारे को अर्थ से कनेक्ट करा दिया। अब देखो अर्थ से कनेक्ट कराने से क्या होगा, थर्ड स्टेप की कंडीशन क्या आएगी हमारे पास में, ध्यान से, ये ए वाली बॉडी है बच्चों, इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास में बी वाली बॉडी है, दो हिस्सों में ये हमारी डिवाइडेड है, यहां पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। हमने इसे जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट कराया, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, मैंने कहा था कि ये जो सिंबल है ये अर्थ का है, हमने इस वाले किनारे को उठाकर अर्थ के साथ जोड़ दिया बाय यूजिंग अ मेटेलिक वायर। एक वायर के एक किनारे को बॉडी से जोड़ा, दूसरे किनारे को अर्थ से जोड़ा, इसे अर्थिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग, अर्थिंग, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो, चार्ज बताओ कैसा है यहां पर, नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव है तो यहां का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बच्चों, यहां का पोटेंशियल होना है नेगेटिव, ध्यान से, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव। अब मुझे आप एक बात बताओ, पोटेंशियल कैसा है, जीरो, और वो है नेगेटिव, तो बड़ा कौन हुआ, जीरो हो गया हायर पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया लोअर पोटेंशियल। जो जीरो है वो हो गया हमारे पास में, अरे कॉमन सी बात है यार, बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है, जीरो बड़ा है नेगेटिव छोटा है, अच्छा जीरो हो गया हायर और वो हो गया लोअर। अब हमें पता है कि करंट हमेशा कहां से कहां जाती है, करंट हमेशा जाती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अर्थ का क्या है जीरो, वहां क्या है नेगेटिव, सो दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अर्थ से बॉडी की तरफ, करंट की डायरेक्शन होगी अर्थ से बॉडी की तरफ, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है, करंट यहां से निकलकर यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर करंट यहां से निकलकर बच्चों यहां पहुंच गई, ध्यान से, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए, करंट जा रही है नीचे से ऊपर, इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर से नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, अर्थ में पहुंच जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव यहां से कहां पहुंच जाएंगे, अर्थ में। अरे मैंने पिछले वाली कंडीशन में बताया था कि सबसे पहले आप ये श्योर करो कि करंट कहां से कहां जा रही है, करंट जाएगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये सारे नेगेटिव यहां से इकट्ठा होकर करंट की अपोजिट डायरेक्शन, करंट नीचे से ऊपर जा रही है, हायर से लोअर, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा, और स्टेप नंबर चार में सारा नेगेटिव अगर यहां से यहां पहुंच गया तो सिर्फ पॉजिटिव बचा, और ये पॉजिटिव पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बी वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंडक्शन मेथड काम करेगा। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि रबिंग मेथड क्या है, टेम्परेरी चार्ज कराने के लिए उसका हम यूज करेंगे। दूसरा मेथड हमने आपको बता दिया है, इसका नाम है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, और बिना टच कराए, देखो कहीं टच तो नहीं कराया यार हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं कराया, बिना टच कराए अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो वो ये है तरीका। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और बताता हूं, देखिए एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारे पास में दो मेटेलिक स्फीयर है बच्चों, कुछ ऐसे मेटेलिक स्फीयर, इसे हमने नाम दिया है ए और इसे हमने नाम दिया है बी। ये दोनों मेटेलिक स्फीयर आपस में टच में है बच्चों कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इनके पास में एक रॉड को लेकर आए, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जिस बॉडी पर पहले से ऑलरेडी चार्ज होगा उस बॉडी का नाम है इंड्यूसिंग बॉडी,
इंड्यूसिंग बॉडी, और जिन पर चार्ज नहीं होगा उनका नाम है न्यूट्रल बॉडी और इंड्यूस्ड बॉडी। ठीक है, अब कैसे होने वाला है आप ये देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर रेंडमली, क्योंकि भाई न्यूट्रल है यार ये, अगर ये न्यूट्रल है तो इसके इसका मतलब तो यह है कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है, और वो रेंडमली इसके अंदर फैला पड़ा है बच्चों, रेंडमली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो रेंडमली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव रेंडमली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्टेप नंबर वन है हमारे पास में। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए क्या होने वाला है बच्चों, सेकेंड स्टेप में रॉड के ऊपर बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, रॉड के ऊपर तो बिल्कुल सी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव के नजदीक वाला स्पेयर ये है, पॉजिटिव के जो नजदीक वाला स्पेयर है वो ये है, जो नजदीक वाला स्पेयर होगा उस पर अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव, दो नेगेटिव यहां से दो नेगेटिव यहां से इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर चले गए। ठीक है, अच्छा ये वाले जो पॉजिटिव थे वो इस पॉजिटिव से रिपेल हो गए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, आप ये मत कहना कि ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए और इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव रिपेल हो गए, तो पॉजिटिव चला गया दूर वाले किनारे पर, कुछ इस तरीके से सेकेंड स्टेप में ये कहानी आ गई। इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम बी है। ठीक है, देखो देन हम लोगों ने क्या किया, हमने ए और बी दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जब जैसे ही हमने दोनों को अलग अलग किया, भाई ए वाले पर कैसा चार्ज आ चुका था बच्चों, आप बताएंगे ए वाले पर कैसा चार्ज आ चुका था, ए वाले पर आ चुका था नेगेटिव, तो वो नेगेटिव यहां आ गया है, और बी वाले पर कैसा आ चुका था, बी वाले पर आ चुका था पॉजिटिव, वो पॉजिटिव यहां हो गया है। ये कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हमारे पास में रहने वाला है, एनसीईआरटी से ली गई प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, रॉड को जैसे ही इसके पास में लेकर आए, ये तो एक न्यूट्रल बॉडी है यार, पॉजिटिव की तरफ पूरा नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। अब हमने क्या किया, हमने ए और बी दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, जैसे ही सेपरेट किया पूरा नेगेटिव चार्ज ए पर रह गया और पूरा पॉजिटिव चार्ज बी पर रह गया, यहां अर्थ से कनेक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिना अर्थ से कनेक्ट कराए ही बॉडी ए और बॉडी बी दोनों अच्छे तरीके से चार्ज हो गए स्टूडेंट। ओके, तो ये भी हमारे पास में इंडक्शन मेथड को लेकर ही एक एग्जांपल है। ओके, तो ये बात तो हो गई बच्चों थियोरटिकल, ये जितनी भी मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं ये थियोरटिकल है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, चार्ज करने का एक तरीका है, बिना टच कराए लंबे समय के लिए इस मेथड का यूज करके हम बॉडीज को चार्ज करा सकते हैं। कॉमन टर्मिनोलॉजी यह है कि जिस बॉडी पर ऑलरेडी पहले से चार्ज होगा उसका नाम है इंड्यूसिंग बॉडी, और जिस पर चार्ज हमें लेकर आना है उसका नाम है इंड्यूस्ड बॉडी। मेन जो इसके अंदर वर्क फंक्शन है, यानी जो काम करने का तरीका है, जहां पर मेन लॉजिक वाला पॉइंट है, वो ये है कि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की ओपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप अर्थ से कनेक्ट कराते हो तो करंट जाएगी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, तीन बातें इसके साथ और आपको याद रखनी है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं, अर्थ का पोटेंशियल ऑलवेज जीरो, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये तो सारे एग्जाम्पल ही हैं हमारे पास में, अब आते हैं हम लोग उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन, ठीक है, और नॉर लूज चार्ज। यानी मैंने आपसे कहा था ना कि जो पहले वाली बॉडी है जिस पर ऑलरेडी पहले से चार्ज होता है उसका नाम इंड्यूसिंग बॉडी है, इस मेथड में उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड का मेन काम है कि दूसरी बॉडी पर, न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज को लेकर आना है। इस मेथड का काम है कि दूसरी बॉडी पर चार्ज लेकर आना है। जैसे ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये पहले से चार्ज है, इसका नाम है इंड्यूसिंग बॉडी,
इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये इंड्यूस बॉडी है। तो इस मेथड में इसकी वैल्यू पर, इसके चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर चार्ज पैदा करना इस मेथड का काम है, इस मेथड का काम है कि हमें यहां चार्ज बनाना है, और यहां चार्ज बनाने में इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, यानी दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हमेशा पहली बॉडी के रेस्पेक्ट में अपोजिट होगा। अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा। भैया आप लोगों ने देखा, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, अगर पहली बॉडी पर पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव आ रहा है फाइनली जाकर, और अगर पहली बॉडी पर नेगेटिव है तो दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव आ रहा है। यानी अब तीन बातें हो गई, इस मेथड का यूज कब करोगे, जब परमानेंट चार्ज कराना है, दूसरी बात टच नहीं कराना है, और तीसरी बात ऑपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस करना है। देखो हम लोगों ने जो पहला मेथड पढ़ा था ना फ्रिक्शन मेथड, उसमें भी ऑपोजिट नेचर का था, जैसे ही फ्रिक्शन करा रहे थे एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, दूसरी बॉडी पर हमेशा ऑपोजिट नेचर का चार्ज ही प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज एंड नॉट इन पार्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पर्सनली लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों की थ्योरी के अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट डाला है, आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या है चलेगा, ठीक है, लेकिन पार्टिकल में ये मेथड काम नहीं करता है, यानी ये इस मेथड की लिमिटेशन हो गई है। बच्चों वन मार्क्स में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, तो आप सीधा जवाब दोगे, सीधा का सीधा आप आंसर करेंगे कि ये मेथड सिर्फ बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, आइदर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, एक एक पॉइंट बड़ा रिसर्च करके बनाया गया है आप लोगों का, पार्टिकल्स के ऊपर इस मेथड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इंडक्शन मेथड पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा बॉडीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो तीन पॉइंट आपके सामने हो गए हैं, पहला पॉइंट, इंडक्शन मेथड से पहली बॉडी इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेथड हमेशा ऑपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस करता है, और तीसरा पॉइंट ये मेथड पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब यहां से हमारे पास में एक पॉइंट आता है बच्चों, पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन मेथड। ठीक है, हम लोगों ने यार इस मेथड में ये तो पढ़ लिया कि कहां इस मेथड का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ ली अच्छे तरीके से, क्या क्या प्रॉपर्टीज है सब हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें बात ये करनी है कि यार हमने, चलो ठीक है, इस मेथड से हमने दूसरी बॉडी को चार्ज करा दिया, हो गया दूसरी बॉडी चार्ज, तो दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये देखना है कि दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा। अब थोड़ा समय हमारे पास में कम है, तो इसकी बात हम लोग कल की क्लास के अंदर करने वाले हैं। बच्चों आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से कह रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारी जो स्टार्टिंग की जो 15 दिन की क्लास है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, आपको सभी चीज़ों को ध्यान से समझ के बार बार देख कर आपको तब चलना है, इसीलिए मेन कारण यही था कि इसीलिए आपकी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस चलाई जाएँ कि आप उन्हें अगर चाहें तो रिपीट करके भी देख सकें। ठीक है, आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ ना फर्स्ट टॉपिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट्स क्या हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज इनवेरिएंट, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, जो आज का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, सेकंड इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, यहां तक की बात हम लोगों ने बच्चों कर ली है, आप हर पॉइंट पर अच्छे से गौर करके चले। ठीक है।